आजादी आजादी, अफजल मांगे आजादी, देश को चाहिए आजादी, घंटा मिलेगा आजादी, कन्हैया मांगे आजादी, जेएनयू को चाहिए आजादी। अरे भैया कितना आजादी चाहिए, कितना आजादी चाहिए बताओ हमको। बोलने में शर्म आता है कि बिहार से है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब तुम मानो या ना मानो, इतना आजादी अगर नहीं मिला रहता तो जेएनयू में खड़ा हो करके आप ये कभी नहीं बोल पाते कि देश तोड़ो देश तोड़ो देश तोड़ो का आंदोलन नहीं चला पाते। बहुत गलत काम कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। माँ बाप आपको इसलिए भेजा था कि जेएनयू में जा कर के आज़ादी मांगो, अरे भैया अब तो निकल जाओ, दूसरा बच्चा सबको भी मौका दे दो कम से कम कि पढ़ाई लिखाई करे वो। हम लेकर रहेंगे। एक हमको एक छोटा सा बात एक छोटा सा बात बता दो कि कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा क्या ज्ञान ले रहे हो तुम कि तुम्हारा ज्ञान ही नहीं खत्म हो रहा है। और वो ज्ञान भी ज्ञान तो तुम्हारे पास तो है ही नहीं भैया, बार 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 आज़ादी की बात करके, देश को जोड़ने के अलावा तोड़ने की बात करके तुम पता नहीं क्या बताएं तुमको भैया। तुम लाख कोशिश कर लो, हम बोलेंगे। हमको पता है अभी क्या लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि ए टू जेड के आगे भी ना कुछ होता है जो आप जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो आप अभी तक तो निकल लिए रहते, भाभी आ गई रहती, हनीमून मना लिए रहते, चुन्नू मुन्नू सब आ गया रहता। लेकिन नहीं, आपको चाहिए आज़ादी। भैया एक बात बताएं, आप जैसे लोग ही ना बिहार को बदनाम करते हैं। माँ बाप इतने प्यार से इतना मेहनत करके एडमिशन कराता है बाहर, इसलिए नहीं एडमिशन कराता कि आप मतलब आज़ादी मांगो, देश को तोड़ने की बात करो या फिर कुछ ऐसी बातें करो, इसलिए करता है ताकि आप बाहर जा कर के उनका नाम करो। नाम तो आपने किया, हम मानते हैं नाम तो आपने किया, लेकिन ऐसा नाम किया कि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे शर्म आता है ये बोलने में कि मैं बिहारी हूँ। बिहारियों पे ध्यान दो थोड़ा। खामोश। पता है कन्हैया जी, सबसे गंदी बात मुझे क्या लगी यहाँ पे, वो चीज ना दिल पे लगा। आर्मी वालों के लिए आपने बोला, वो आर्मी वाले जो माइनस डिग्री में भी खड़े होके देश की रक्षा करते हैं, वो आर्मी वाले जो आप दिन में सोते हो, आप रात में सोते हो, आप दीपावली और छठ मनाते हो, और वो हमारे देश के सरहद पे जाके रक्षा करते हैं, अपने परिवार वालों से बात तक नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में बोला कि वो रेप करते हैं। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के। छी छी छी, मतलब भगवान ही मतलब देख रहा है, अब क्या बोल सकते हैं हम। भगवान से एक व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि थोड़ा ज्यादा आपको सजा थोड़ा कम मिले, मतलब थोड़ा कंट्रोल में बोलो, जोर से बोलो। मुझे कभी कभी लगता है ना संगति का भी बहुत असर होता है। अफजल गुरु के लिए आप आज़ादी मांग रहे थे, उस अफजल गुरु के लिए, अरे भैया मिल गया उन्हें आज़ादी, चले गए वो ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है आपको मांगने से आज़ादी। बस इतना बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई करो, निकलो जेएनयू से, ये जो आज़ादी आज़ादी करते हो ना इन सब झंझटों से निकलो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि जो हमारे देशवासी हैं बहुत खुश हैं अपनी आज़ादी से, वो काफ़ी खुश हैं और उन्हें कोई आज़ादी नहीं चाहिए, तो इन सब झंझटों से निकलो और कुछ करो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।